हेलो दोस्तों, मैं हूं बेटेक्स विकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक मेकर के बारे में। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया है। आपने देखा होगा काफ़ी बार आईडी में जो रेट क्लोज कर देता है, ऊपर जो हम बेकली में खेलते हैं वहां पे, और नीचे एक बुक मेकर करके इस तरह से आप देख रहे होंगे, एक नीचे इसमें ओड्स जो होते हैं वो चालू होते हैं और इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो मैं इसका आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें बेकले क्या होता है, कैसे होता है, बुक सेट भी हम इसमें कैसे करेंगे, या इसका रेट वगैरह कैसे चलता है और कैसे हम इसमें खेल सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल है और नॉलेज के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में किसी भी बेटिंग गैम्बलिंग साइट को ना ही प्रमोट किया गया है और ना ही दर्शकों को इन सभी साइट्स में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल अध्ययनकर्ताओं को उनके प्रोजेक्ट या अनुसंधान में सहयोग करना है, ना कि किसी बिजनेस मॉडल या उससे जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करना। इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य मेरी निजी सोच और अनुसंधान पर आधारित है। कृपया इन सभी तथ्यों को उपयोग में लेने से पहले एक बार अपने निजी स्तर पर जांचें। देखिए, बुक मेकर वैसे तो ऊपर हम जो खेलते हैं सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ एक होती है कि जो फेवरेट टीम होती है सिर्फ उसका रेट दिखाया जाता है, जबकि नॉर्मल हम देखेंगे तो फेवरेट टीम का रेट प्लस में जो नॉन फेवरेट टीम है उसका भी रेट दिखाता है साथ में, जैसे 3 रुपये 4 रुपये, लेकिन इसमें जो फेवरेट टीम है सिर्फ उसका रेट दिखाया जाता है। जैसे कि टीम ए अगर 50 पैसे फेवरेट है तो सिर्फ टीम ए का ही रेट दिखाया जाएगा, न कि टीम बी का। यहाँ पे जैसे कि 3 रुपये होना चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, सिर्फ टीम ए का रेट दिखाएगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन वही है, टीम ए को अगर बैक करोगे तो टीम ए पे आपका प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा, अगर टीम ए को ले करोगे तो टीम बी पे आपका प्रॉफिट शिफ्ट हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ फेवरेट टीम को बैक या ले कर सकते हो, ठीक है। अब फेवरेट टीम को ही आपको ले करना होगा और फेवरेट टीम को ही आपको बैक करना होगा, यहाँ पे नॉन फेवरेट टीम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको टीम बी पे अगर अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना है तो आपको टीम ए को ले करना होगा, जितने भी अमाउंट से आप ले करोगे उतना अमाउंट आपका यहाँ पे प्रॉफिट पे आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने टीम ए को ले कर दिया है 1000 रुपये से, तो टीम बी पर आपके 1000 रुपये आने को रहेंगे और टीम ए पर जो है आपके 500 रुपये जाने को होंगे, ये रेट के हिसाब से। रेट का आपको पता होना चाहिए कि कितने रेट पे हमें कितना मिलता है, नहीं पता है तो बेकले की वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड इसमें क्या होता है कि बुक सेट कैसे करना है, तो वही सेम सिचुएशन है। जैसे कि अभी तो टीम ए हमारी फेवरेट है और टीम ए को हमने ले कर दिया 1000 रुपये से, तो टीम बी पर हमारा 1000 रुपये प्रॉफिट आने को है और टीम ए पर हमारा 500 रुपये जाने को है। अब आप कहोगे कि हम बुक सेट कैसे करें, तो अभी जैसे ही टीम बी फेवरेट आएगी, मान लो बी 50 पैसे आ गई, आप वैसे तो कोई भी रेट पे कर सकते हो, लेकिन मैं एक 50 पैसे का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए टीम बी जो है वो 50 पैसे आ गई है और टीम ए जो है वो ये सस्पेंडेड का नाम जो है वो टीम ए पे दिखा देगा और ये जो 50-55 पैसे है ये नीचे दिखा देगा, ठीक है, यहाँ पर रेट दिखा देगा। तो आपको लॉस कट करने के लिए या बुक सेट करने के लिए वही सेम करना है, टीम बी को ले करना है। कितने से ले करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 100 से ले कर रहे हो या 500 से ले करो, क्योंकि आपको सिर्फ लॉस कट करना है, तो जितना आपका लॉस है उतने से आप फेवरेट टीम को ले कर दीजिए, आपका लॉस कट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है और ये मैंने बुक सेट में भी समझाया है अच्छे से। जैसे कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे कि टीम ए पे आपके 500 रुपये जाने को है और टीम बी पे आपके 1000 रुपये आने को है, आपको अगर टीम ए पे लॉस कट करना है और टीम बी जो है 50 पैसे फेवरेट है आ गई है टीम ए से, तो आपको फेवरेट टीम को लॉस अमाउंट कितना है 500, उतने अमाउंट से फेवरेट टीम को ले कर देना है। अब फेवरेट टीम है टीम बी, तो टीम बी को जब आप 500 से ले करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉस कट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ले वाले पे क्लिक करना है, अमाउंट 500 सेट करना है, प्लेस बेट करनी है, ऑटोमेटिकली आपका लॉस कट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, ये बैलेंस जो है आपका यहाँ से कट नहीं होगा, आपके बैलेंस में से कट नहीं होगा, वो बैलेंस आपका जो कि 500 यहाँ पे थे और 1000 यहाँ पे थे, आपने अगर टीम बी को ले किया है 500 रुपये से, तो वो बैलेंस नहीं कटेगा आपका, आपका इसी में से यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बुक सेट करना है ना, तो आप 1000 से ले कर दीजिए, आप 1000 से ले करोगे तो आपके यहाँ पे 1000 रुपये आने को रहेंगे, 1000 में से 500 आपके लॉस में थे तो वो कट हो गए, आपके सिर्फ यहाँ पे 500 बचेंगे और 50 पैसे के रेट पे 1000 से ले किए ना, तो आपके 500 रुपये यहाँ पे है यूज हो जाएंगे, तो आपका दोनों साइड 500 टीम ए पे प्लस होगा और 500 टीम बी पे प्लस होगा।
ये बुक मेकर का है, और बुक मेकर में भी सेम है, जो ऊपर वाले जो वोट्स दिए रहते हैं उसमें जो होता है वही सेम खेल यहाँ पे होता है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बस इतना फ़र्क है कि जो फेवरेट टीम है उसका रेट दिया रहता है, उसको ही हम बेक या ले कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई बातें आपके लिए बताते रहें।